और लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कोरिया कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसदों का निलंबन तत्काल रूप से निरस्त किया जाए। जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में संविधान को दरकिनार करके कार्य किया जा रहा है। देश में अराजकता का माहौल है। देश में मोदी और अमित शाह की तानाशाही चल रही है। हम मांग करते हैं कि सभी सांसदों का निलंबन निरस्त किया जाए। वहीं इस पूरे मामले के बाद बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री सुभाष साहू ने सांसदों के निलंबन को सही ठहराया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में जो भाजपा सरकार की तानाशाही चल रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय इतिहास में पहली बार सैकड़ों सांसदों का निलंबन हुआ। निलंबन का कारण भी सिर्फ इसलिए कि हमारे विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के सांसद ये मांग करते हैं कि संसद में इतनी बड़ी चूक हुई, संसद में लोग घुसे, वह क्यों हुआ, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? सिर्फ आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो इंडिया अलायंस के 142 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में संविधान को बिल्कुल दरकिनार करके व्यवस्थाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से माननीय लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, और लोकसभा के मर्यादा के विपरीत अगर कोई काम होता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया है, वो सही किया है।